सुरेश रैना की एक बार फिर से होगी चेन्नई सुपर किंग टीम में वापसी। आईपीएल 2024 में एक बार फिर से धोनी देंगे टीम की बड़ी जिम्मेदारी। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि सुरेश रैना की भी सेल्स की टीम में हो वापसी तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों अब विश्व पटल की नजरों पर वर्ल्ड कप का खुमार खत्म होने के बाद दुनिया की एक बार फिर से आईपीएल में रंग में रंगने की बेकरार बैठी है। हाल ही में खबर आई है कि बीसीसीआई के मैनेजमेंट आगामी 19 दिसंबर को आईपीएल की नीलामी आयोजित कर रही है। बीते दिनों में सभी टीमों ने रिलीज और रिटेन की लिस्ट जारी कर दी थी। आगामी आईपीएल को ध्यान में रखते हुए सभी टीमों ने अपनी तैयारियों पर तेजी से आगे बढ़ी हैं। इसी के साथ ही वो अपने पुराने खिलाड़ियों को प्री ट्रेड के माध्यम से अपने स्क्वाड में दोबारा शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपने स्क्वाड के साथ दोबारा जोड़ा है। इसी के साथ ही वह भी कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग टीम मैनेजमेंट सुरेश रैना को भी अपनी टीम के साथ जोड़ सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है और उन्होंने आईपीएल के कैरियर में बहुत अच्छी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सुरेश रैना ने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग टीम के साथ की थी और उन्होंने लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग टीम के साथ बिताया है। सुरेश रैना ने साल 2022 में आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और बतौर कमेंटेटर नजर आते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग टीम के स्क्वाड के साथ जुड़ सकते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चेन्नई मैनेजमेंट सुरेश रैना को बतौर बल्लेबाज कंसल्टेंट स्क्वाड के साथ जोड़ सकती है। वहीं दोस्तों सुरेश रैना के आईपीएल कैरियर की बात करें तो दोस्तों सुरेश रैना ने आईपीएल में प्रदर्शन में आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। सुरेश रैना ने 5000 रन से अधिक का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज थे। दोस्तों बतौर बल्लेबाज खेलते हुए सुरेश रैना ने 205 मैचों में 32.51 की औसत से और 136.71 स्ट्राइक रन रेट के साथ 5528 रन बनाए हैं। इस दौरान सुरेश रैना के बल्ले से 100 शतक और 39 अर्धशतक पारियां निकली हैं। वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 7.38 की औसत से 25 विकेट भी अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सुरेश रैना की सीएसके टीम में होनी चाहिए वापसी या फिर नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।